आज आपको SX ऑप्शनल एंस्टर दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और ये आपको हेडलाइट आपको एच शेप का देखने को मिलता है, जो कि फुल LED लाइट के साथ देखने को मिलता है DRL। और एंटीटर इसी में देखने को मिलता है, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलता है। नीचे में आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पास आपको रेडिएटर ग्रे पूरा पियानो ब्लैक में मिलता है, और ये आपको मैट कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पास आपका मतलब कि स्क्रू की तरह दिया गया है, लेकिन ये स्क्रू नहीं है, बस डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पास ये टो करने के लिए, यहाँ से आप दबाएंगे तो खुल जाएगा। और ये सामने से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। आपको बड़ा सा हुंडई का लोगो देखने को मिलता है, जो कि इसकी बात की जाए तो ये 15 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो कि आपको 11 कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। 175/65R15 के प्रोफाइल का टायर देखने को मिलता है, जो कि आपको JK का टायर देखने को मिलता है। इसमें ब्रेक की बात की जाए तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। इसके फ्यूल के टैंक की बात की जाए तो 37 लीटर का फ्यूल का टैंक मिलता है। लैंप भी आपको एच शेप का देखने को मिलता है, और ये LED लाइट में देखने को मिलता है। और हेलोजन बल्ब के साथ आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलता है, और ब्रेक एंटीगेटर और रिवर्स लैंप देखने को मिलता है। एयरबैग के साथ आता है। और इसके डिफॉगर की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलता है, और वाइपर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और ये आप देख रहे हैं SX ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और एस्टर के यहाँ पास बेजिंग दिया गया है, और रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 दिया गया है ये। और सामने में जिस प्रकार से आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा था, वो उसी प्रकार से यहाँ पास भी आपको पीछे में देखने को मिलता है, जो कि इस कलर में देखने को मिलता है, मैट कलर में, ग्लॉसी में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आपको दिया गया है यहाँ पास पूरा ब्लैक में, और कुछ इस प्रकार से आपको डिज़ाइन दी गई है। और ये 5 में आती है, और कुछ सार्फ इंडिना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इसकी बात की जाए तो कुछ इस प्रकार ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, ठीक है। और मिरर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि आपको यहीं पास इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, मस्त छोटा सा इंडिकेटर देखने को मिलता है। मतलब कि वाइपर की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पास ऑटोमेटिक वाइपर देखने को नहीं मिलता है। और इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पास से दबाना पड़ता है। तो यहाँ पास एक ही बटन दिया गया है ड्राइवर साइज में, पैसेंजर साइज में नहीं दिया जाता है। और इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इसी के साथ इसकी इंटीरियर में जाकर देखते हैं किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। इसकी बात की जाए तो ये टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, और कुछ बटनें दी गई हैं आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए, और गाना बदलने के लिए, और मोडे दी गई हैं। और ये आपको कैमरा देखने को मिलता है ये यहाँ पास इस मॉडल में, और ये ऑटोमेटिक RVM के साथ आती है। और पूरा हर मतलब कि बेस से लेकर टॉप तक आपको 6 एयरबैग देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी रेट अच्छा से बढ़ा देती है। और स्टीयरिंग कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पास क्रूज कंट्रोल और ये आपको दिया गया है, और ओके और कैंसिल का, और ये फ़ोन काटने उठाने का, और कम ज़्यादा करने का, और बदलने गाना का दिया गया है। 4 स्पीकर दी गई है, और ये इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर में आता है, डुअल टोन में नहीं आता है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, और 5 ट्रांसमिशन आता है। और यहाँ पास वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जर पास USB भी चार्ज सकते हैं, और आप Apple भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास से देख रहे हैं आप, ये पूरा अलग से निकल सकता है। यहाँ पास आप वायर भी लगा हुआ देख सकते हैं कि वायरलेस को चार्ज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, और ये AC का कंट्रोल कुछ ऑटोमेटिक में देखने को मिलता है, और इसके गियर बहुत ही स्मूथ है, और 5 स्पीड की ट्रांसमिशन के साथ आती है। और इसके ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो कुल लेवल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, ये आपको कुल लेवल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। और ये आपको फैब्रिक सीट कवर के साथ मिलता है, और हल्का सा लेदर देखने को मिलता है यहाँ पास। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पास SOS का बटन दिया गया है, और बटन दिया गया है यहाँ पास आपको सौरभ भी देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में, और सौरों को बटन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसकी लाइट की बात की जाए
तो ये हेलोजन बल्ब के साथ दिखता है लगता है। और यहाँ पास किसी भी प्रकार का मिरर या लाइट नहीं दी गई है, यहाँ पास इस कलर में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पास मिरर दिया गया है जो कि यहाँ पास लाइट नहीं दी गई है। और इसकी ये आपकी हैचबैक में आती है ये गाड़ी, बस आपको ये होल्डर दी गई है, बॉटल होल्डर, ठीक है। और हैंड ब्रेक कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है जो कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक में नहीं दिया गया है। और ये आपको यहाँ पास एसी वेंट की बात की जाए भी दिया गया है, और यहाँ पास स्क्रीन भी दिया गया है दोनों साइड का आपका मतलब कि शूटिंग करेगा, ठीक है। और इसकी लेग स्पेस की बात की जाए तो इसी के साथ देखते हैं इसका लेग स्पेस। ये आपको रियर में आपको बहुत ही आपको अच्छा सा लेग स्पेस देखने को मिलता है। और यहाँ पास आपको एसी वेंट दिया गया है, और ये स्पोर्ट ये आपकी बहुत दो बित्ता से भी ज़्यादा है। 6 एयरबैग के साथ आता है, और ये सनरूफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। 4 स्पीकर्स के साथ आता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में भी, और पावर विंडो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। मिरर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है जो कि आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पास आपको ब्लैक कलर में थोड़ा सा देखने को मिलता है। 93 cc का इंजन देखने को मिलता है जो कि 4 सिलेंडर आपको इंजन देखने को मिलता है, और 81 bhp देखने को मिलता है। और इसकी NM की बात की जाए तो 113 NM का टॉर्क देखने को मिलता है, और कुछ इस प्रकार से आपको इंजन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।